बॉलीवुड के मशहूर हरफन मौला संगीतकार आर डी बर्मन साहब का आज 74वां जन्मदिन है। 27 जून 1939 को कोलकाता में अपने जमाने के विख्यात संगीतकार एस डी बर्मन के घर पंचम के नाम से लोकप्रिय हुए आर डी बर्मन का जन्म हुआ था। 1970 के दशक के सबसे कामयाब संगीतकार आर डी बर्मन ने क्लासिकल और पारंपरिक संगीत के साथ नए वाद्य यंत्रों का प्रयोग कर संगीत जगत में वो तहलका मचाया कि उनके संगीत से ही फिल्में हिट होने लगी। उन्होंने फिल्मी संगीत को एक नई दिशा दी। इस दौर में पंचम दा ने सैकड़ों सुमधुर धुनें बनाई जो आज भी सुपरहिट है और उनके गीत रेडियो टेलीविजन पर सर्वाधिक बजने वाले गीतों में शुमार है। चलते जाना है बस चलते जाना। सन 1969 में आई फिल्म आराधना के निर्माण के दौरान फिल्म के संगीतकार एस डी बर्मन की तबीयत खराब हो गई और संगीत की बागडोर आ गई आर डी बर्मन के हाथ। यहीं से एक नए इतिहास ने जन्म लिया और आराधना के बाद पंचम दा और किशोर दा की जुगलबंदी ने जो कमाल दिखाया कि संगीत प्रेमी आज भी उससे भीगे हुए हैं। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना का सितारा भी बुलंदी पर पहुंचा। पंचम दा ने हर तरह के संगीत में अपनी महारत दिखाई और बॉलीवुड के हरफन मौला संगीतकार दिखाए। उन्होंने एक तरफ शास्त्रीय संगीत की धुनें बनाई तो दूसरी तरफ दम मारो दम जैसी धुनें भी बनाई जिसमें युवा आज भी खो जाते हैं। दम मारो दम मिट जाए हूं। बोलो सुबह शाम आधुनिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करते हुए सुमधुर धुन बनाने में पंचम दा बेजोड़ थे और वो ये काम अपनी आखिरी फिल्म तक करते रहे। उन्होंने पाश्चात्य और हिंदुस्तानी संगीत का बहुत सुरीला संगम कराया और अनगिनत नायाब धुने दी। गुलजार साहब की फिल्मों के लिए उनका संगीत जुदा होता था। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चराहों से लौ बर्मन अपने दौर के सफलतम संगीतकार थे जिनके खाते में सैकड़ों सुमधुर गीतों का खजाना मौजूद है। अपने पिता के सानिध्य में रहते हुए पंचम को भी संगीत की गहरी समझ बचपन से ही थी और उन्होंने बचपन में ही ऐसी धुनें बना दी कि उनके पिता भी उन धुनों को अपनी फिल्मों में इस्तेमाल करने से रोक नहीं पाते थे। वे माउथ ऑर्गन बजाने में माहिर थे और अपने इस हुनर से उन्होंने हर किसी को बचपन में ही प्रभावित कर दिया था।
पंचम दा से जुड़ी कुछ खास बातों पर नजर डालते हैं। अशोक कुमार ने आरडी का नाम पंचम रखा था। पंचम नाम उन्हें हर गाने को पंचम सुर से शुरू करने के लिए दिया जाता था। ए मेरी टोपी पलट गया और सर जो तेरा चकराए की धुन पंचम ने बचपन में ही बना दी थी, जिसका एसडी साहब ने बाद में फिल्मों में उपयोग किया। हिंदी के साथ पंचम ने बंगला, तमिल और मराठी फिल्मों में भी दिया संगीत। पंचम दा अच्छे गायक भी रहे और महबूबा महबूबा सहित कई गीत गाए। बतौर संगीतकार उनकी पहली फिल्म 1961 में प्रदर्शित छोटे नवाब थी। किशोर दा सहित मोहम्मद रफी, लता जी और आशा जी के साथ सुरीले नगमों की सौगात दी। डेढ़ दशक तक पंचम दा का करियर शिखर पर रहा। 1985 के बाद उनकी सक्रियता कम हो गई थी। 1994 में आई 1942 ए लव स्टोरी उनकी अंतिम फिल्म थी। पंचम दा ने लता मंगेशकर की छोटी बहन और मशहूर गायिका आशा भोसले से शादी की थी। बहुत कम उम्र में ही संगीत के इस बेताज बादशाह ने 4 जनवरी 1994 को अंतिम सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।